हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी एना जॉर्ज। और ये हम पाकिस्तान में बैच ही गए थे बिकॉज नोहा का पासपोर्ट बनवाना था, जो कि पासपोर्ट तो नहीं बना बट पाकिस्तानी आईडी उसकी बन गई। और ये घर जाते जाते बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिला, जो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। और एक्चुअली हम एम्बेसी के अंदर फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं था, तो दैट्स वाई मैं उधर के कुछ शॉट भी नहीं ले पाई। और ये घर जाते जाते सर्दी थी बट धूप भी थी, बट धूप का कोई असर नहीं था। इट वॉज अ कोल्ड वेदर। और साथ में मेरे पीछे बेल रिंग हो गई। अच्छा जी, तो ये जो मैंने शॉट लिया, ये मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया और पापा के लिए लिया है। मम्मा के लिए बुर्ज खलीफा था ये, तो मैंने सोचा ये मैं जाते जाते थोड़ा सा शॉट ले लूँ। और ये बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ये जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, आई लव टू शूट दिस व्यू बिकॉज इट्स अ रियली नाइस वन। और ये अभी भी घर जा रहे थे और पीछे हल्के फुल्के गाने भी लगे थे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी एना जॉर्ज। और आप सब कैसे होंगे? आपने मेरे पहले छोटे छोटे से क्लिप देखे होंगे बाहर के, बिकॉज आज सुबह हम गए थे नादरा। वहाँ से हमने अपने नोहा का बनाया नाइकॉब, उसके बाद इसका बनेगा पासपोर्ट और ये फिर पक्का पाकिस्तानी हो जाएगा। बट पाकिस्तान एम्बेसी की जो हालत थी ना, मुझे वो देख के वाकई में पाकिस्तान याद आ गया। नो ऑफेंस बट लिटरली आई फील रियली सैड जब मैंने देखा वहाँ की हालत। एरॉन, मैं बहुत सीरियस नोट पे बात कर रही हूँ। और मेरे साथ में आपको लोगों को ये भी बताना है कि नोहा का फर्स्ट गोल्ड गिफ्ट उसको मिला है और वो उसके पापा ने उसको दिया है छोटा सा क्रॉस, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हाँ जी, तो वो ये है गिफ्ट। ये नोहा के पापा ने उसको दिया है कल रात में, बिकॉज हम लोग में हमेशा ये होता है जब छोटा सा बेबी होता है तो उसके साथ कोई मेडल क्रॉस हम लगा के रखते हैं जस्ट फॉर सेफ साइड। और ये उसके पापा ने कल रात में उसको गिफ्ट दिया है। बहुत ही क्यूट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ये। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे घर पे मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है, जो कि है खेखड़े। आप मुझे क्रैब्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, आप मुझे बताएं किस किस को खेखड़े बहुत पसंद है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा गाइस, अभी तो ये फिलहाल कच्चे हैं, मम्मा ने वॉश करके रख दिए थे कल रात में, नदीम लेके आए थे तो ये वॉश करके रख दिए थे। और अभी यहाँ पे ज़रा मसाला वसाला बन रहा है, साथ में चाय बन रही है और ये थोड़ी सी कटिंग हो रही है और ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और बाकी जब बनेंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं। और ये ज़्यादा मज़ा जो आता है बॉइल चावलों के साथ, बहुत मज़ा आता है खाने का। यस फ्रेंड्स, तो ये थे मज़े के खेखड़े जो मम्मा ने बनाए हुए थे और साथ में थे ये राइस। और ये इतने मज़े के थे, मैंने तो इतने सारे खाए। राइस मैंने कम खाए बट खेखड़े बहुत। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कल का ही ब्लॉग है जो मेरा कंटिन्यू हो रहा है और कल की मैंने एंडिंग नहीं ली थी, तो मैंने सोचा मैं एंडिंग ले लूँ। और इससे पहले आपने खेखड़े की क्लिप देखी होगी कि खेखड़े बहुत ही यमी बने थे, बहुत मज़े के बनाए थे और मैंने तो बहुत सारे खाए। और अभी इस टाइम पीछे बहुत सारा गंद होगा बिकॉज़ अभी हम लोग सफाई कर रहे हैं। कल संडे है और कल हमारे घर में शुक्रगुजार की प्रेयर है। लाइक खुदा ने हमें इतनी प्यारी खुशी दी नोहा की शक्ल में, तो बस उसकी शुक्रगुजारी है। कल पास्टर जाएंगे, खाना बनेगा बहुत सारा और प्रेयर होगी, बस यही होगा। और साथ साथ में क्या मैंने बोलना था, कुछ बोलना था और मैंने कुछ भी नहीं बोलना था, बस यही है। रोटी से बहुत सारा शोर भी आता होगा बिकॉज मशीन में नोहा के क्लोथ्स धुल रहे हैं। और इसी तरह चलें, सही है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और नोहा को अपनी प्रेयर्स में याद रखें। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अंतर लगन से बहुत।